राधे राधे फ्रेंड, जय श्री श्याम। आज मैं लेके आई हूँ स्टफिंग शिमला मिर्च की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड, मैं लखनऊ में थी तो मैं बहुत बनाती थी, क्योंकि इनके बच्चों के पापा को बहुत पसंद थी। तो फ्रेंड, मैंने इसको ऊपर से कट कर लिया था और फिर नीचे से इसका जो गोदा गूदा सा हल्का निकाल लिया था, ज़्यादा नहीं था क्योंकि इसमें वो तो थे नहीं फ्रेंड बीज। और ये दो जो शिमला मिर्च थी, तो ये थी छोटी, तो ये स्टफिंग नहीं हो पाती। और मैंने थोड़े से लिए आलू दो तीन, और वो ग्रेट कर रखे थे। और फिर इसमें मैंने तेल डाला, इसमें डाला मैंने हींग और जीरा। हींग जरूर लेती हूँ मैं, हर सब्जी में यूज़ करती हूँ। और फिर ग्रेट करा हुआ प्याज रखा हुआ था, वो मैंने डाला, छोटी छोटी दो थी फैन, ज़्यादा नहीं लिए मैंने। उसके बाद जो आलू थे वो मैंने डाल दिए इसमें। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे फैन, थोड़ा सा फ्राई करना है इसको, और पूरे चलाते हुए फिर बाद में हम डालेंगे इसमें। अब डालेंगे हम इसमें मसाले। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो फ्रेंड, वो अमचूर पाउडर नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। आप ज़रूर डाल लीजिएगा, अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड। तो इसको चलाते हुए लगभग 5-10 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही पकाना है, जिससे मैं बना रही हूँ। इसको पकाते रहना, अच्छे से भून जाएगा ना फ्रेंड, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, काफ़ी हद तक भुन चुका है। फिर मैंने इसको एक प्लेट में, मैंने इसको ठंडा होने के लिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तब हमें स्टफिंग करनी है। तो फ्रेंड, लगभग 5-8 मिनट लग गए थे इसको ठंडा होने में। तो मैंने फिर हाथ से देखा कि हाँ, काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। फिर जो शिमला मिर्च थी, तो फ्रेंड 5 ही शिमला मिर्च वो पाई थी स्टफिंग के लिए, तो वो मैंने अच्छी तरह से फ्रेंड भर दी। बहुत छोटी छोटी आ गई थी, बड़ी थी नहीं ऐसी शिमला मिर्च थी उसके पास, तो मैंने यही ले ली थी। तो आप थोड़ी सी बड़ी शिमला मिर्च लीजिएगा, इसमें स्टफिंग अच्छी हो जाएगी। तो इसमें स्टफिंग करके फ्रेंड 5 ही बच पाई थी। तो फिर वो जो कढ़ाई थी ना, उसी कढ़ाई में हमें इसको फ्राई करना है। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल लिया था। फिर इसके बाद मैंने सारी 5 शिमला मिर्च मैंने इसमें रख दी है। तो फ्रेंड, इसको ना आप ढक के ही पकाइएगा, ढक के जो में गल जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, ओनली 10 मिनट लेंगे आपका। 10 मिनट में बहुत जल्दी गल जाती है ये। तो मैंने ढक के पकाया, हल्का हल्का इसमें बीच बीच में आप इसको चलाते रहिएगा। तो फिर बाद में चला के फिर ढक देना है। इस तरह से आपको 10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तो ये देखिए, थोड़ी सी गलने लगी है फ्रेंड, काफ़ी हद तक गल गई है। तो थोड़ा बहुत और कसर रह गई है, तो इसमें फिर मैंने ढक दिया था इसको, क्योंकि ना कच्ची नहीं होनी चाहिए, कच्ची तो बहुत ही बेकार लगेगी। क्योंकि चाउमीन वगैरह में तो चल जाता है, अपन खा लेते हैं, बट इसमें नहीं अच्छी लगेगी। तो इसको ये देखिए फ्रेंड, पक के मतलब बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ गया। देखने भी आपको लग रहा होगा कि बहुत सुंदर लग रही है, और खाने में फ्रेंड मज़ा आएगा। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसे नहीं किया है, और लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय, जय श्री श्याम फ्रेंड, बाय बाय।